राजनीति में विचारधारा का वही महत्व है जो जंग में हथियारों का है। जिस तरह बिना हथियारों के जंग नहीं जीती जा सकती, उसी तरह बिना विचारधारा के राजनीति नहीं की जाती। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अब यह समझ आ चुका होगा, क्योंकि जिस हिंदुत्व के साथ उन्होंने दगा करके सत्ता की चाशनी चाटी, वही हिंदुत्व अब उनकी राजनीति पर ताला लगाने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि वो हिंदुत्व के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के दूत शिवसेना विधायक मिलिंद नार्वेकर से दो टूक कह दिया कि हिंदुत्व छोड़ने वाली शिवसेना में अब वापसी संभव नहीं है। शिंदे ने उनसे दो टूक कह दिया कि मैं हिंदुत्व के साथ हूँ और शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, अब मैं शिवसेना में वापस नहीं लौटूंगा। वहीं शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से शिवसेना भी हटा लिया है। गौरतलब है कि शिवसेना विधायक मिलिंद नार्वेकर उद्धव के कहने पर शिंदे को मनाने आए थे। मिलिंद नार्वेकर ने बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे की सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी करवाई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक वार्ता हुई। इस दौरान शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 35 विधायक हैं। उन्होंने सीएम के सामने शर्त रखी कि अगर वे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं तो पार्टी नहीं टूटेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सीएम पद पर नजर नहीं है। मिलिंद शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो इस बात से नाराज हैं कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं शिंदे की सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर शिवसेना को खड़ा किया, उसी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को भूलकर शिवसेना ने सत्ता के लालच में कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसीलिए एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। गुजरात के सूरत स्थित होटल में उनसे मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे के दूत को शिंदे ने साफ साफ जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व को छोड़ने वाली शिवसेना में अब उनकी वापसी संभव नहीं है। शिंदे के बगावती रुख अपनाने के बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार संकट में आ चुकी है। वहीं एकनाथ शिंदे को मनाने में नाकाम होने के बाद उद्धव के दूत मिलिंद खाली हाथ मुंबई रवाना हो गए। मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक के गुजरात से सूरत स्थित ली मेरिडियन होटल से बाहर निकलते हुए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहरहाल शिंदे अभी भी अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए और अपनी विचारधारा से समझौता ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।